सफलता की इस जर्नी च पहुँचे साढ़े पंजाब पुलिस एस्पिरेंट्स का मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हाँ। सो जिमें कि तुहानू पता ही है जी कि अपनी जिहड़ी हैगी है पी वाई क्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। ये वाले क्वेश्चन पिछली वीडियो कवर हो जाने से बट बिकॉज ऑफ सम ग्लिच वो वीडियो आप कॉन्टीन्यू नहीं कर पाए। सो बेसिकली दिस इज़ द सैकेंड पार्ट ऑफ दैट वीडियो। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ प्लेलिस्ट के जाके वो वीडियो जरूर देख लियो। सो तुम साइड पर ना अपने एक रफ नोटबुक लैके बैठ जाओ ताकि आप सारे जिहड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं इन्होंने कुछ कुछ जिहड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ने वह आप कढ़ सकीए सो दैट ये जिहड़े 20 दिन बचे ने उन्होंने आप बहुत वधिया तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स नाल पास हो सकी। सो विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम आप शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 2020 का हॉर्नबिल उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया गया सी। हुण जिहड़ी तुसीं रफ नोटबुक लई आओ ते तुसीं सब तो पहला टॉपिक लिखोगे कि जिहड़े अपनी स्टेट्स ने उहदे जिहड़े इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ने एक बार आप अपनी अक्खा विचों कढ़ने ने। ठीक है जी। सो हुण इसका जिहड़ा राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी नागालैंड। तो मैं तुहानूं ये दसदा कि जिहड़ा ये हॉर्नबिल फेस्टिवल है यह जिहड़ा हैगा नागालैंड का एनुअल फेस्टिवल है मतलब हरेक साल उत्थे मनाया जाता है। एक तो लैके 10 दिसंबर तक का यदा समा हुंदा है। ये 10 दिनों के जिहड़ा ये फेस्टिवल है उन्होंने सैलीब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 की कह रहे हैं पंजाब के उत्तर पूर्व में की है। चार ऑप्शन दित्तियां ने आपां दसना है कि साडे उत्तर पूर्व की है। दैट मीनस सानू अपने पंजाब दी पूरी जियोग्राफिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए जो कि बहुत जल्दी निमोनिक्स नाल मैं तुहानू करवाउन जा रही हाँ। सीधा राइट आंसर है शिवालिक पहाड़। हुण जिहड़े शिवालिक माउंटेन्स ने इहदा थोड़ा जिहा होर एरिया देख लो जम्मू एंड कश्मीर चों ही शुरू हुंदे ने उधरों मतलब आंदे ने उदों बाद अपने कोल इह उत्तरांचल स्टेट दे विच वी इह जिहड़े आपां नूं पहाड़ियां ने शिवालिक पहाड़ियां देखण नूं मिलदियां ने। फिर हिमाचल प्रदेश दे विच मैं सीधा एच पी लिख दिंदी हां। फिर कुछ पार्ट जिहड़ा हैगा पंजाब ते हरियाणा दा कुछ पार्ट जिहड़ा हैगा उत्थे वी आपां नूं शिवालिक पहाड़ियां देखण नूं मिलदियां ने। उस तों बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रिहा इहनां विचों किस कार्ज लई इसरो ने दसंबर 2020 दे विच CMS-01 सैटेलाइट लॉन्च किया सी। तो सब तो पहला इसरो की फुल फॉर्म की है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जिहड़ा इहदा राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिर्फ 2 ही सही है। मतलब इसरो ने जिहड़ा ये सैटेलाइट लॉन्च किया सी वो सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन वास्ते जिहड़ा हैगा लॉन्च किया सी। जिहड़ी इहदी लॉन्च डेट है वो हैगी सी जी 17 दसंबर 2020 जिन्हों तुसी याद नहीं करना बिकॉज ये उस टाइम का करंट अफेयर का जिहड़ा हैगा क्वेश्चन है। सो बेसिकली आप अपने करंट अफेयर पक्के करके चलने नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। अच्छा तुसी स्पीड इनक्रीज़ करके देख सकते हो अगर तुहानू ज़्यादा स्लो लग रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो की कह रहे हैं IIT खड़गपुर द्वारा लॉन्च की गई कोवी रैप तकनीक की डैश लई वरतों की जाएगी। तो देखो जिवें कोवी तो सानू असी थोड़ा जिहा अंदाजा लगा सकते हैं कि इहदा मतलब की होएगा कोविड नाल रिलेटड होएगा। तो इन्होंने ऑप्शन 1 की दी हुई है मैडिकल दस्ताने रोगाणु मुक्त करन दे लई, सैकेंड कोविड 19 के निदान के लिए यानी उन्होंने डायग्नोज करन दे लिए, डायग्नोज की हुंदा पता करना किसी चीज़ बारे। ठीक है। सो जिहड़ा 4th का राइट आंसर है जी वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिर्फ 2 इहदा राइट आंसर है। अगर मैं तुहानू थोड़ा जिहा डिटेल च दसा तो जिहड़ी कोवी रैप है जी वो अपने कोल की है एक डिवाइस है। ठीक है। की है अपने कोल एक डिवाइस है। बेसिकली एक डिवाइस है जिहदे नाल आपां नूं एक घंटे च ही पता लग जांदा सीगा कि जिहड़ा मरीज़ है उन्होंने करोना हैगा कि नहीं हैगा। ठीक है। उस तों इलावा सिर्फ यह जिहड़ा हैगा वह करोना नूं ही आइडेंटिफाई नहीं करती। अगर किसी नूं मलेरिया है, अगर किसी नूं की है जी मलेरिया है या फिर किसी नूं डेंगू है तो यह उस चीज़ नूं भी की करती है डायग्नोस करती है। या फिर किसी नूं टीबी है, टीबी की फुल फॉर्म की होंदी है जी ट्यूबरकुलोसिस। तो मतलब ये सारिया बीमारियों भी की करती है यह डायग्नोस करती है मतलब इन्हों का भी पता करती है। क्वेश्चन नंबर 5th देख लें भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म उत्सव 2020 की मेजबानी कित्थे हुई। जिहड़े देखो ये फिल्म अवार्ड वगैरह होंदे ने अंतरराष्ट्रीय लैवल से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ने, नॉट ईवन अंतरराष्ट्रीय जो राष्ट्रीय लैवल से भी होंगे ने बहुत इंपॉर्टेंट होंगे ने। इहदा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दैट इज़ गोवा। सो बेसिकली जिहड़ा ये गोवा दे विच 2020 दे विच होया सी ओह साडा 51st जिहड़ा हैगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल सीगा। देखो हुण आपां 51st वाले बारे तक की करना हुण मैं तुहानू 2023 वाला दस दिंदी हां। तो जिहड़ा 2023 दे विच होण जा रहा है वह होण जा रहा है जी साडा 54th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इहनू बोलदे ने IFFI यानी कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जिहड़ा हैगा गोवा दे विच ही होएगा। इहदी तरीक भी ऑलरेडी फिक्स है 20 तो लैके 28
28 नवंबर तक जिहड़े हैगे ने यही जिहड़े अवार्ड फंक्शन ने वो चलणगे। ठीक है जी, ये साढ़े इस साल जिहड़े 2023 दे विच होणे ने उहदे रिगार्डिंग इनफॉर्मेशन है। ये भी पुछ लैंदे ने कि कीड़ा एडिशन है, तो तुहानू पता होना जाना चाहिए कि कीड़ा एडिशन है जी, अपना 54th एडिशन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लैंदे आ, डैश पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, कीड़ा रीढ़ की हड्डी है जी? तो ओबवियस जी गल है कि जिहड़े साढ़े पंजाब दे विच ज़्यादातर लोग ने वह खेतीबाड़ी ते डिपेंड करते हैं, इसलिए जिहड़ी खेतीबाड़ी है वो पंजाब की अर्थव्यवस्था की की है, रीढ़ की हड्डी है, यानी कि साड़ी की है बैकबोन है। उस तो बाद देख लें क्वेश्चन नंबर 7, हेठां दिते आगुआं विचों किसनूं पंजाब केसरी वजों भी जाणिया जाता है? तो सानूं बहुत अच्छे तरीके नाल पता है कि जिहड़े लाला लाजपत राय जी ने उन्हां नूं पंजाब केसरी दे नाम नाल भी जाणिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लें जी, सिखा का पहला गुरु कौन है जिसने सिख धर्म की स्थापना की? सो ये भी असी बहुत अच्छे तरीके नाल जाने, पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिहड़े हैगे ने उन्होंने सिख धर्म की स्थापना की सी। अगर सानू आज खालसा पंथ की स्थापना तो 1699 दे विचों किन्ना ने की सी, श्री गुरु किन्ना ने की सी, श्री गुरु गोबिंद साहिब जी ने। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 देख लें, केड़ी चट्टान सतह के हेठां डुगाई ते पिघले मैगमा दे हौली हौली ठंडे होण कारण बनती है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, अग्नियुक्त चट्टान, यानी कि इग्नियस रॉक। ठीक है, उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 10 देख लें, स्प्रिंकल इरीगेशन सिस्टम इज़ ऑलसो नोन एज, यानी कि छिड़का सिंचाई प्रणाली नू डैश भी कहा जाता है, तो उन्हों अपा होर किदे नाम नाल जानते हैं जी, ओवरहैड इरीगेशन। ठीक है, यानी कि ओवरहैड सिंचाई। क्वेश्चन नंबर 11 देख लें, किस विधि विच बीजा नू कागज़ दी एक या एक तो वध परतां दे उपर पुगरन दिता जाता है, जिन्हां नू जां तां नत्थी पारदर्शी पैटरी डिशां या बक्शियां विच रख्या जाता है अते एक इनक्यूबेटर या जर्मीनेटर विच रख्या जाता है? सो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 11 दा आंसर की है जी, ऑप्शन नंबर डी, कागज़। ऑब्वियस जी गल है, बार बार कागज़ का जिक्र होया तां इह तां आपां तुक्का भी लगा सकते सी कि कागज़ उपर विधि या फिर टॉप पेपर मैथड। क्वेश्चन नंबर 12 देख लें, किहड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर के नाम नाल मशहूर है? तो ये वो क्वेश्चन ने जिहड़े तुहानू फ्री दे नंबर देने वाले ने। सो ओबवियसली सानू पता होना चाहिए कि जिहड़े हरिमंदर साहिब है उन्होंने आपां जिहड़ा हैगा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर के नाम नाल भी जाणिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लें जी, क्वेश्चन नंबर 13 की क्या गया है कि प्राणी जगत विच किहड़े प्राणी रीढ़ की हड्डी के मालिक हन? तो ये जिहड़ा क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिहड़ा इहदा जिहड़ा बेसिकली राइट आंसर होएगा वह होएगा जी अपना ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ वर्टब्रेट। सो वर्टब्रेट किहड़े होंगे ने? देखो वर्टब्रेट वह जानवर होंगे ने जिन्हों की कोल बैकबोन होंगी है, जिन्हों की रीढ़ की हड्डी होंगी है। हुण वर्टब्रेट दी मैं तुहानू कुछ एग्जाम्पल्स दे दिंदी हां, जिवें फिश होगी, ठीक है, या फिर जिवें अपने हो गए बर्ड्स वगैरह या मैमल, ये एग्जाम्पल्स याद रखनिया ने। ठीक है, तुहानू कई बार एग्जाम्पल के नाम लैके आ जाता है कि दसो भाई फिश की है, तो असं उत्थे दसांगे कि जिहड़ी फिश है वह की है, वर्टब्रेट है। ठीक है, पंजाबी च भी तुसीं देख सकते हो सेम ही नाम लिखा हुआ है। तो हुण एक साडे कोल कौन हुंदे ने, इनवर्टब्रेट हुंदे ने। थोड़ा जिहा कॉन्सैप्ट समझ लो, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट लग्या मैनू ये क्वेश्चन। कुछ होंगे ने इनवर्टब्रेट, इनवर्टब्रेट किहड़े होंगे ने जी, वह जानवर जिन्हों की जिहड़ी हैगी है बैकबोन नहीं होंदी। इहदे विच किहड़े किहड़े आ जाते हैं, किहड़ियां किहड़ियां एग्जाम्पल्स इहदे विच आ जांदियां ने? तो एक तो स्पाइडर हो गया, मकड़ी है नी, एक अपना हो गया कॉकरोच, एक हो गए अपने बटरफ्लाई, बहुत इंपॉर्टेंट जिहड़े नाम ने वो सारे इधर ही ने सारे, या फिर मच्छर हो गया दैट इज़ मॉस्किटो, ठीक है, मॉस्कीटो, या फिर कीड़ी होगी दैट इज़ आंट। ये जिहड़े सारे ने कौन ने, इनवर्टब्रेट ने, मतलब इन्हां दी रीढ़ दी हड्डी नहीं हुंदी। कई बार तुहानू इनवर्टब्रेट दी जगह एक होर वर्ड मिलेगा, एथ्रोपॉड, तुहानू अगे देखण नू मिलेगा, मैं तुहानू उत्थे याद करवा दूंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की कह रहे ने, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के दो छोटे साहबजादियां साहिबजादा जोरावर सिंह अते फतेह सिंह दी शहीदी दी याद विच की मनाया जाता है? तो सानू सब नू पता है जी, उन्हां दी याद दे विच की लगता है, जोड़ मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लें, क्वेश्चन नंबर 15 की किया है, हेठां दित्तियां दे विच्चों केड़ा रोग जमीनी पीण वाले पानी विच उच्च फ्लोराइड संघनन कारण हुंदा है? सो 15 दा राइट आंसर है जी फ्लोरोसिस, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देख लें, 16 की किया गया है कि दूजा जिहड़ा सिख युद्ध है जिहड़ा ब्रिटिश के विरुद्ध लड़िया गया सी अप्रैल 1848 डैश के गवर्नर दीवान मूल राज के विद्रोह नाल आरंभ होया सी। सो किहदे मतलब कितों का गवर्नर दीवान सीगा वह? तो 16 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, मुल्तान के गवर्नर
दीवान मूल राज दे विद्रोह नाल की होया सी आरंभ होया सी दूजा सिख युद्ध। क्वेश्चन नंबर 17 देख लें, किहड़े साल विच पंजाब यूनीवर्सिटी की स्थापना हुई, तो पंजाब यूनीवर्सिटी की जिहड़ी स्थापना है ऑप्शन नंबर बी 1882 ईस्वी दे विच हुई। क्वेश्चन नंबर 18 देख लें, प्रकाश के कण नूं की कहिंदे ने, तां जी प्रकाश के कण नूं कहिंदे ने फोटोन, याद रखियो बहुत इंपॉर्टेंट है भी। उस तो बाद नैक्सट देख लें, 1966 तो बाद पंजाब की राजधानी कहड़ी है, तो जिहड़ा ही क्वेश्चन है ना 19 क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इहदा जो जिहड़ा राइट आंसर ऑब्वियसली गल है चंडीगढ़ है, इहदा हुण आपां तुक्का भी लगा सकते सी इहते, बिकॉज हुण अपनी राजधानी एट अ टाइम चंडीगढ़ ही है, ठीक है। सो देखो हुण आपां की कर सकते हैं, इहते अगर तुहानूं मैं थोड़ी जी डिटेल दसां, तां जदों अपना देश आज़ाद होया ना 1947 च, तां उस तो बाद जिहड़ा हैगा टैंपरेरी अपनी जिहड़ी पंजाब दी कैपिटल सी, ओह सीगी शिमला, ये सी टैंपरेरी 1947 तो बाद, ठीक है। उस तो बाद की होया, द पंजाब कैपिटल एक्ट आया, द पंजाब कैपिटल एक्ट, ठीक है, तुसी प्लीज़ नोट्स बना लियो अपनी। द पंजाब कैपिटल एक्ट आया 1952 दे विच, जिथे यह घोषित किया गया कि पंजाब की जिहड़ी कैपिटल आ ओह केड़ा, मतलब कौन होएगा, चंडीगढ़ होएगी, ठीक है जी। उस तो बाद रजे यही, बस यही मेन चीज़ सी जिहड़ी मैं दसनी सी, बिकॉज ये काफ़ी इंट्रस्टिंग फैक्ट है कि पहला जिहड़ी हैगी शिमला जिहड़ी हैगी साढ़े पंजाब की राजधानी हुंदी सी। क्वेश्चन नंबर 21 देख लो, त्रिवेणी की शुरुआत किसने की जो हिंदी उर्दू कविता का रूप है, तो यह जी किने शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, गुलजार, उन्होंने जिहड़ी हैगी है ये शुरू की हिंदी उर्दू कविता का रूप, ठीक है जी। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 21 देख लें, पंजाब का किहड़ा त्यौहार मशहूर गुग्गा पीर या नाग देवता समर्पित है, यह भी सानू बहुत अच्छे तरीके नाल पता है जी। जिहड़ा छपार का मेला है वह बेसिकली जिहड़ा हैगा गुग्गा पीर नाग देवता जी की, या मतलब उन्होंने उन्होंने याद के रूप के मनाया जाता है, मिट्टी कट मतलब मिट्टी निकलती है, आपको पता ही, आप मोस्टली सारे गए हुए हैं छपार के मेलों पर। सो इसका राइट आंसर है छपार मेला, और अगर कोई बाय चांस डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो लुधियाना डिस्ट्रिक्ट के विच पैंदा है, और किहड़े महीने हुंदा है, सितंबर के महीने हुंदा है, ठीक है जी, सितंबर याद कर सकते हैं आप। उस तो बाद नैक्सट देख लें, क्वेश्चन नंबर 22, किहड़ा किला बठिंडा के किले वजों भी जाणिया जांदा है, तो इन्हां दे विचों किहड़ा किला जिहड़ा बठिंडा के किले वजों भी जाणिया जांदा है, वह हैगा जी किला मुबारक। नैक्सट देख लें क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 के किया गया है कि पंजाब दे विच महात्मा गांधी सरबत विकास योजना वजों कदों शुरू की गई सी जो राज दे पेंडू खेत्रा विच लागू की गई सी। सो 23 दा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2018। क्वेश्चन नंबर 24 देख लें, आई होप तुहाडी रिविजन हो रही होनी है, या जिन्होंने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन देखे ने उन्होंने नॉलेज दे विच वाधा हो रहा होना है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं, जिहड़ी सब तो लंबी नदी केड़ी है जो पंजाब विच्चों लंघदी है, तो पंजाब दे विच्चों जिहड़ी सब तो लंबी नदी जिहड़ी लंघदी है वह केड़ी है जी, वह हैगी है सतलुज। इत्थे भी हुण काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने वाले ने, जिवें तुहानूं पता ही है कि अगर अपना जिहड़ा पंजाब है उहनूं मतलब नदियां दे नाम तो है ना नाम पिया, यानी अपने पंज रिवर्स हुंदियां सीगियां पहलां, किहड़ियां किहड़ियां, मैं सिर्फ पहले नाम लिख दिंदी हां, अपने हुंदी सी सतलुज, फिर ब्यास, रावी, तो एक अपने कोल चनाब जिहनूं मैं सी ना लिख दिनी हाँ, तो जेहलम जे ना लिख दिनी हाँ, ठीक है। एट अ टाइम जिहड़ा साडा पंजाब है, जिहड़ा इंडिया का पंजाब है, उत्थे आ पहलियां तीन जिहड़ियां नदियां ने वो चलदियां ने, सतलुज, ब्यास ते रावी, ये जिहड़ा चनाब ते जेहलम है पाकिस्तान दे विच नेगियां, ठीक है। सो ये जिहड़ियां तीन साडे पंजाब दे मतलब साडे इंडिया दे पंजाब दे विच चलदियां ने, तो उहदे विचों जिहड़ी सतलुज नदी है वह जिहड़ी हैगी सब तो लंबी नदी है पंजाब की गल करिए। बट अदरवाइज़ अगर आपां इंडिया की सब तो लंबी नदी की गल करिए, तो जिहड़ी इंडिया की सब तो लंबी नदी है वह केड़ी है जी, गंगा, ठीक है। उस तो इलावा फिर जे आप पूरे संसार दे यानी पूरे संसार दे विच सब तो लंबी नदी की गल करिए, तो वह हैगी जी नील, पंजा इंग्लिश आपां लिख दें NILE नील, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, सो इहदा राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए 25 देख लें, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस वट इज़ द अर्बन पॉपूलेशन परसेंट ऑफ पंजाब। एक मिनट आप कलर चेंज कर लिए जी। सो बेसिकली की कह रहे हैं, गिव मी अ सेकेंड, कहिंदे साल 2011 की जिहड़ी मरदमशुमारी के अनुसार पंजाब की शहरी आबादी प्रतिशत किन्नी है, तो मतलब पंजाब दे विच किन्ने प्रतिशत लोग जिहड़े हैगे ने शहरां दे विच रहिंदे सी। सो 25 दा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 37.49। तुसीं याद रखियो उहनूं आपां कदे ये नहीं पढ़ते 37.49% नहीं पढ़ते, पॉइंट तो बाद हमेशा आपां अंकां दे विच पूरे का पूरा
पढ़ते हाँ। सो ये की होएगा 37.49%। ठीक है, हुण इहदे विचों जिहड़ियां हैगियां ने काफ़ी इंपोर्टेंट, क्योंकि मैं देखिया है कि मतलब 2011 दे विचों जिहड़ी सेंसस हुई है बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चनस बनते हैं, जो कि आपां थोड़े टाइम बाद डिस्कस भी करांगे। ठीक है जी, उस तो बाद गल करिए, उस तो बाद नैक्सट गल करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। सो 26 दे विच की कह रहे हैं, भारत के संविधान के इन्हों अनुच्छेदों विचों केड़ा संविधान विच सोध की विधि बारे चर्चा करता है। सो 26 का राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ अनुच्छेद 368, यानी कि आर्टिकल 368। क्वेश्चन नंबर 27 देख लें, इन्हों विचों किसनों, एक मिनट, इन्हां विचों किसनों निर्विरोध यानी कि सर्वसंपत्ति नाल भारत का राष्ट्रपति चुनिया गया सी। सो 27 का राइट आंसर है जी एन संजीव रेड्डी यानी कि नीलम संजीव रेड्डी। तो यह मतलब पहले तो सिर्फ और सिर्फ यही इदा के राष्ट्रपति ने जिन्हों सर्वसंपत्ति नाल चुनिया गया सी, लाइक किसी ने विरोध नहीं सी कीता, किसी ऑपोजिट पार्टी ने भी विरोध नहीं सी कीता, मतलब सारे के सारे लोग अग्री करते। सो ये जिहड़े सिर्फ तो सिर्फ यही वह राष्ट्रपति ने, कौन ने जी एन संजीव रेड्डी। सो 28 देख लें, संसद के दो सैशनों विचकार समांतराल डैश तो वध नहीं हो सकता। सो 28 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी 6 महीने। मतलब की है कि एक साल के घट्टो घट्ट दो बारी सैशन होना चाहिए। सो मतलब यदा मतलब यही होया कि 6 महीनों के एक बारी होंगे, यूजली जेडे अपने सैशन ने 3 सैशन हो जाते हैं एक साल के। सो यदा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 29 देख लें, इन्हों किस केंद्रीय शासित प्रदेश विच उपराजपाल इसका प्रशासकीय मुखी है। इंग्लिश दे विच एक बार पढ़ लें, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज़ हैज़ द लेफ्टिनेंट गवर्नर एज इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव हैड। सो 29 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 दिल्ली। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 30, केड़ी संविधानिक सोध ने सिक्ख्या के अधिकार को एक बुनियादी अधिकार वजों स्थापित किया। सो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिहड़ी 86वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी कि 86वीं संविधानिक सोध। क्वेश्चन नंबर 31, हेठां दित्तियां विचों केड़ी पहली लड़ी दे लीवर दी उदाहरण है। सो 31 का जिहड़ा राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ए शी शॉ, यानी कि चूल्हा। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लो, बिकॉज देर इज़ अ लिटल बिट प्रॉब्लम इन माई प्रोनाउंसिएशन एंड इट कम्स टू एस, सो दैट्स वाई आप पंजाबी पढ़ लें चूल्हा। ठीक है, अदरवाइज़ जी ये जे है पहली लड़ी का लीवर, यानी कि फस्ट ऑर्डर लीवर दिया कुछ होर एग्जाम्पल्स भी ने, जिमें एक ताही हो गया। ठीक है, चूल्हा एक होर हुंदा क्रोबार हो गया। ठीक है, बीम हो गया, या जिहड़े हैंड पंप हो गए वह भी जिहड़े हैगे ने फर्स्ट ऑर्डर दी एग्जाम्पल ने, हैंड पंप या फिर कटिंग, जिहड़ा अपने कटिंग प्लायर हुंदे ने। ठीक है, ये सारे की ने फर्स्ट ऑर्डर लेवल दी एग्जाम्पल्स ने। 32, जिला परिषद विच डैश शामिल हुंदे हन। सो 32 का जिहड़ा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पंचायत सम्मति दे सारे जिहड़े प्रधान ने वो जिला परिषद दे विच शामिल हुंदे ने। क्वेश्चन नंबर 33 देख लें, 73वीं संविधानिक सोध के अनुसार पंचायत मैंबर बनने के लिए निर्धारित घट्टो घट्ट उम्र कितनी है, तो 21 साल है। ठीक है, अगर मतलब तुसीं ने जिहड़ियां हैगियां ने पंचायती मैंबर जिहड़ियां चोणां ने उहदे विच खड़ना है, तो तुहाडी उम्र 21 साल होनी चाहीदी है। हेठां दित्तियां विचों भारतीय संविधान की किस अनुसूची विच संघ राज अते समवर्ती सूचियां दा वेरवा शामिल है। सो 34वें दा राइट आंसर है जो ऑप्शन नंबर बी, 7वीं जिहड़ी हैगी आ जिहड़ी सूची आ उहदे विच जिहड़ा हैगा वेरवा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लें, भारतीय संविधान का केड़ा अनुच्छेद ये कहता है कि राज कानून सामने किसी भी व्यक्ति को समानता तो इनकार नहीं करेगा, या भारत के किसी भी प्रदेश में कानूनों की समानता की रक्षा करेगा। सो 35 का जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14, यानी कि आर्टिकल 14। सो ये ही जोड़े ही अपने 35 क्वेश्चन ने होंगे ने, हूँ आप जोड़े है सैकेंड पार्ट शुरू करते हैं। सो ये ही अपने इस वीडियो के 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सो आप शुरू करते हैं। सो बेसिकली अगर तुम इतने तक आ चुके हो दैट मीनस तुम वीडियो रैगूलर देख रहे हो। सो बस एक छोटी जी गुजारिश है कि अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दियो वीडियो नू, और मतलब चैनल नू सबसक्राइब कर दियो इफ़ यू पीपल वॉन्ट ओनली दैन, बट अपने जो तुहाडे सुझाव वगैरह ने कमेंट सैक्शन के जरूर दियो, बिकॉज तुहाडी जिहड़ी फीडबैक है मैंने बहुत मोटिवेट करती है।